हमारे इस देश में, इस मुल्क में वारदातें और कहानियां होते चली जा रही हैं। तबरेज़ का किस्सा, अभी मॉब लिंचिंग के बारे में हम देख रहे हैं। पहलू खान हो गया, उससे कई ऐसे नाम हो गए, कई लोग लड़कों को मारा गया, पीटा गया, शहीद किया गया। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा देश सेकुलरिज्म बेस पर है, रहने के बावजूद भी यहाँ पर मुसलमानों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिपोर्ट कहती है, इंडिया में बीजेपी मोदी के वजह से मुसलमान और माइनॉरिटी क्रिश्चियन दबे कुचले जितने भी लोग हैं उनके लिए परेशानी बन चुका है। कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? क्यों अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स नहीं मिल रहा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, एक खूबसूरती से लिखा है, तो उसको रियली इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? तो इसलिए नहीं हो रहा कि हम मुसलमान कमज़ोर पड़ गए। ना हमारे बच्चे डिपार्टमेंटल में हैं, ना हमारे बच्चे यूपीएससी सेक्शंस में हैं, ना हमारे बच्चे आईपीएस हैं, ना हमारे बच्चे, अभी ट्रेंड बढ़ रहा है, इंशाल्लाह आगे जाके होगा, ये माहौल बनाना पड़ेगा। किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में ऐसी घटनाएं नहीं होती रहेंगी जो इंडिया में, भारत में हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि मुसलमान चुप बैठे हैं। उदय दीन सिर्फ 3 लोग थे, उसके बाद में 313 हो गए, उसके बाद में 108 हो गए, उसके बाद में लाखों करोड़ों के 70 से देश हैं जो इस्लाम फैला। क्यों फैला है इस्लाम? इंसानियत के लिए फैला, एक इंसानियत का रहने का ढंग सिखाया इस्लाम ने मुसलमानों ने पूरी दुनिया में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता के चले गए। इसके बाद मुसलमान इस्लाम जहाँ भी आया वहाँ लिटरेसी रेट थोड़ा बढ़ने लगा। जैसे कि एक ज़माने में इंडिया में सिर्फ पढ़ने का अधिकार और हक सिर्फ ब्राह्मण पंडित वैश्य क्षत्रिय ही लोगों को ही था, लेकिन उसके बाद जब अरबिक स्क्रिप्ट आई, अरबिक लैंग्वेज आती चली गई, अलग अलग डायनेस्टी में अलग अलग लोग अरबिक को एक्सेप्ट करने लगे, अरबी पढ़ने लगे, अरबी बताने लगे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की सरजमीं से जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज भी अरबिक को समझते थे। जितने भी उनके खत जाते थे, खतूत लेके जाता था, अरबिक में रहते थे। उस ज़माने में लिटरेसी रेट इंक्रीज करने का काम किया वो इस्लाम ने, मुसलमानों ने इंडिया में आके किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों से इतना क्यों जलते हो, इस्लाम से क्यों जलते हो? मुसलमान इस्लाम जब यहाँ पर आया तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को दिया। जितने दलित आदिवासी दबे कुचड़े लोग थे वो अच्छाई देखकर, वो इंसाफ देखकर इस्लाम में आने लगे। इस्लाम में मुसलमान, इस्लाम जो भी है हमारा मजहब, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो सब एक सफ में नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि जब दर्शन के लिए कहीं देवस्थान में गया, पैसे वालों की लाइन अलग, मिडिल क्लास की लाइन अलग, और जो कोई पैसा नहीं देता उसकी लाइन अलग। ऐसा नहीं है, अल्लाह के सामने हर एक बराबर है। बादशाह हो या फकीर हो, एक पीवन हो, एक चपरासी हो, एक छोटा सा सिपाही हो, तो अल्लाह के नज़र में एक है। ये सिखाता है इस्लाम। आप मुसलमानों से इतना क्यों डरते हो? मुसलमान ने क्या किया इस देश में? मुसलमानों ने आज़ादी के लिए अपना पूरा खून बहाया है। दिल्ली से लेकर ढाका तक देखेंगे आप, हर एक दरख्त पर उलमा के है, जो दरख्त पर उनकी लाशें लटकी थी। इतने तकलीफ और परेशानी से इस 1857 से लेके उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके पहले हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस बेड़े को उठाया था, तो पता था उनको कि क्या है, क्या क्या होगा अगले आने वाले जो दौर में है। तो आज टीपू सुल्तान के बारे में भी, तुम शहीद टीपू सुल्तान, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इंडिया के हो के चुके हैं। तो उसके बाद में 1700 सेंचुरी के बाद में 1947 को आज़ादी मिली, तब टीपू सुल्तान ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये लोग फिरंगी हैं, ये लोग देश को लूटेंगे, हम यहाँ ही मरे। एक किला बनाया, रेड फोर्ट बनाया, लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, चार मीनार बनाया, गोल गुम्बज कर्नाटक का। आप देखेंगे हर एक स्टेट में जहाँ इस्लाम बसा वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, टूरिज्म स्पॉट
डेवलप हो, ये मुसलमानों की देन है। जब मुसलमान बाहर से आए तो मुसलमानों ने खाने पीने के तौर तरीके यहाँ पर लेके आए, तो आज उसे लोग एक्सेप्ट करते हैं। जो ईरान से आई, ईरानी चाय आई, ईरान से आई बिरान आई, तो बिरान से बिरयानी बन गया। तो अलग 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 सिस्टम्स थोड़ा चेंज हो गया और लोग उसे महसूस करने लगे, उसे अच्छा मानने लगे, तो इस्लाम में लोग दाखिल हुए। इस्लाम में यूनिटी इक्वालिटी है, इसलिए लोग दाखिल हो रहे। पढ़ने का हक तुम्हारे उस ज़माने में 3,500 साल से लेकर उससे पहले कबल ज़माने में औरतों को पढ़ने का हक नहीं था, और जो दबे कुचले जाती दलित आदिवासी को पढ़ने का हक नहीं था। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कितने तकलीफ और परेशानी से क्लास के बाहर बैठ कर सीखा उन्होंने, पता है, और शूद्र का उनको एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिल में खटकता था। डिफरेंस से डिफरेंशिएट करते थे, बड़े ऑफिसर्स बैरिस्ट्रेट होने के बाद, हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी डॉक्टर बाबा साहेब इंडिया में आए तब डिस्क्रिमिनेट हो रहा था, डिफरेंशिएट करते थे, ये कौन है, कौन से जाति का ऑफिसर है, तो दलित का है। चपरासी भी उनसे सही से बात नहीं करता, ऐसे फाइल फेंकता था। जब लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे तभी कुछ चेंजेस आया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान को हम पकड़ेंगे, उसके साथ में हम चलेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि यहूदी ईसाई क्रिश्चियंस मुसलमानों के लिए मैसेज है कि जो लोग तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें मार रहे हैं, उनके घरों में घुस के उनको टारगेट करके मारे, ये कंसेप्ट को अपनाओ। बोलते हैं यहूदी ये हैं, यहूदी ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, इसराइल ये है, इसराइल वो है, तुम भी बन जाओ ऐसे, तुम भी एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, तुम भी ऐसी इंटेलिजेंस पावर दिखाओ, ना किसी को मारना है ना किसी को तोड़ना है, अगर हम पर आँच आई तो नहीं छोड़ना है। अगर किसी भी यहूदी को कुछ भी कोई टच होता है, कोई करता है, तो यहूदी उसको ढूंढ के उसके खानदान को पूरा ख़त्म करते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर बदले की आग, यानी कि बदला यानी कि कानून के दायरे में होकर मांगे, अगर कानून में भ्रष्ट, कानून एक सही चीज़ है, जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने वाले जस्टिस, जजेस, पुलिस डिपार्टमेंट वाले जितने भी लोग हैं, वो जो लोग हैं ना, दे आर, वो लोग इंसानियत के लिए नहीं है, वो लोग सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर से पैसों के लिए कुछ करते हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर नहीं मानते तो उनके घरों में घुस के उनको टारगेट करो, जो गरीब मासूम बच्चों को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ना हमने आपका कुछ बिगाड़ा है, ना कुछ किया है, कितने तुम कैंडल लेके प्रोटेस्ट करोगे, कितना तुम करोगे, जब तक उनके घरों में घुस के उनके नस्लों को तबाह नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर रहे, अगर हम पर आ जाए